सब्सक्राइब करो इफेक्ट मैन को और प्रेस करो इस घंटे को। डेस्कटॉप के लिए यहां से सब्सक्राइब करो। हाय फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त इफेक्ट मैन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी 5 हरकतें जो आप हमेशा करते हो लेकिन उसको नहीं करना चाहिए आपको। तो सबसे पहले इन चीज़ों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए, ताकि मैं आपको इसी तरह के नए नए और रोचक जानकारी भरे वीडियो रोज दिखा सकूं। तो सबसे पहले मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और अब चलते हैं हम उन फैक्टों को जानने के लिए। फैक्ट नंबर 1, कान का मोम या वैक्स। कान के मोम या वैक्स को लोग अक्सर गंदगी समझते हैं और साफ करते हैं। उसके लिए लोग किसी माचिस की तिल्ली या वैक्स साफ करने वाली स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। इससे कान का जो मोम है वो कान के पर्दे और नज़दीक तक चला जाता है, जो कि उसको नुकसान पहुंचा सकता है और आपको कम सुनाई देना शुरू हो सकता है। कान का जो मोम है असल में वो मददगार होता है। ये कान को बाहरी चीज़ों से बचाता है, जैसे छोटे कीट पतंगे और फंगल इन्फेक्शन आदि से, और ये कान को गीला रखने में मदद करता है। तो हमें कान के मोम से कैसे छुटकारा मिले? तुम्हें इससे छुटकारे की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसे डॉक्टर को जाकर दिखाइए। फैक्ट नंबर 2, अपने बच्चों की फोटो ऑनलाइन मत डालिए। आपको अपने बच्चों की फोटोज को ऑनलाइन नहीं डालना चाहिए। लोकेशन फंक्शन किसी को बता सकता है कि आपका बच्चा इस समय कहाँ है। किसी को आपके बच्चों की आदतों और शौक का पता चल सकता है और उन्हें बच्चों को ढूंढना आसान हो सकता है। बच्चों के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स किसी को आसानी से बता सकते हैं कि बच्चे कहाँ पढ़ते हैं और कहाँ रहते हैं। बच्चों की हाफ ड्रेसिस्ड फोटो आपके लिए क्यूट हो सकती हैं, लेकिन किसी के लिए इसका कोई और ही नज़रिया हो सकता है। तो सावधानी से फोटोज अपलोड की जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हाँ, सुरक्षित रहिए। कसरत क्यों असर नहीं करती? लोग पहली बार जिम जाते हैं और डंपल उठा लेते हैं। लोग तब तक कसरत करते हैं जब तक थककर चूर ना हो जाए। ये गलत है। शुरुआत हल्की कसरत से करनी चाहिए, जिससे आपकी मांसपेशियों पर ज़्यादा फर्क ना पड़े, और हफ्ते में 3 से 4 दिन की कसरत शुरुआती दौर में करनी चाहिए। डाइटिंग का असली मतलब क्या होता है? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ डाइटिंग का असली मतलब क्या होता है। लोग सोचते हैं डाइटिंग का मतलब एक्सरसाइज ना करना और खूब सलाद वगैरह खाना है, जबकि डाइटिंग का मतलब है कसरत प्लस हेल्थी भोजन। तो समझे आप? आप टॉयलेट में जिंदगी भर गलत बैठते आए हो, कभी ऐसे तो कभी वैसे, लेकिन सभी गलत तरीके हैं टॉयलेट में बैठने के। इस 90 डिग्री एंगल पर बैठने से हमारी आंत दब जाती है और मल के रास्ते में रुकावट आ जाती है। ये बहुत ही भयानक कंडीशन में पहुंच सकता है और आंत का कैंसर भी हो सकता है। लेकिन 35 डिग्री पर सब कुछ बदल सकता है। जानवरों की दुनिया में ये सबसे प्राकृतिक पोजीशन है। अंग्रेजी टॉयलेट में बैठने के लिए किसी पटरे का इस्तेमाल करें और हाँ, अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखें। आपने इस वीडियो को देखा, मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं आप, और उसके लिए इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक लेना चाहिए।